हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ रवा इडली बनाने की रेसिपी और इसके साथ में ही सागो, जो एक स्पेशली सब्जी होती है आलू की, जो इडली के साथ खाई जाती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए कढ़ाई रखेंगे गैस पर, उसमें एक बड़ा चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म होने पर एक छोटी चम्मच राई और एक छोटी चम्मच उड़द दाल, इसके साथ ही एक छोटी चम्मच चने की दाल डालेंगे और इनको थोड़ा फ्राई होने देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 4-5 काजू। यहाँ पर मैंने काजू को बारीक काट लिया है और इनको भी फ्राई कर लेंगे। काजू जब फ्राई हो जाए तो इसमें डालेंगे एक छोटी चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक और एक छोटी चम्मच हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और इनको भी सबके साथ में फ्राई करेंगे। और जब ये फ्राई हो जाए अच्छे से तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे 4-5 करी लीव्स। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि इडली साउथ इंडियन डिश है और साउथ इंडियन डिश तब तक पूरी नहीं होती जब तक इसमें करी लीव ऐड नहीं किया जाता है। और अब इसमें ऐड कर देंगे 1 कप रवा यानी कि सूजी। रवा को हमें ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना है, केवल 3 से 4 मिनट ही फ्राई करना है। जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने फ्राई किए थे उन सब की फ्रेग्रेंस रवा में आ जाए, केवल उतनी देर तक ही इसको फ्राई करना है। तो 3-4 मिनट हो चुकी है, अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसको एक साइड में अलग रख देंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको एक ट्रिक और बताती हूँ कि ये जो हमने इडली का पाउडर बनाया है इसको ठंडा होने पर आप स्टोर करके रख सकते हैं और जब कभी भी आपको इडली खाने का मन हो आप इडली बना सकते हैं। तो इसको किसी भी कंटेनर में या किसी जार में आप उठाकर रख दीजिए और जब आपको बनाना हो इडली तो झटपट इडली बना सकते हैं। इसको आप काफी टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये खराब नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने इडली का पाउडर बना के रख लिया है, अब हम बनाते हैं इडली। अब एक बर्तन में 1 कप दही लेंगे और इसमें 1/2 कप पानी ऐड कर देंगे। ये ध्यान रखें कि जो दही हम यूज़ कर रहे हैं इडली बनाने के लिए वो खट्टा होना चाहिए, क्योंकि दही अगर खट्टा होगा तभी हमारी इडली है वो फूली फूली बनेंगी, उतना ही जो इडली का बैटर है वो फर्मेंट होगा। तो हमने पानी को अच्छे से मिक्स कर लिया है, आप दही की जगह छाछ भी यूज कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा थोड़ा करके इडली का जो पाउडर है उसमें मिक्स करेंगे, साथ ही में इसको चम्मच से चलाते हुए जाएंगे ताकि जो इडली का बैटर है वो प्रॉपरली मिक्स हो जाए। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी ये रेसिपी पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। और मेरी रेसिपी को आप घर में बनाइए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट करके शेयर कीजिए। तो थोड़ा थोड़ा करके जो भी हमने दही लिया था सारा इसमें मिक्स कर देना है और चलाते हुए इसको एक बैटर के फॉर्म में लाना है। जो बैटर है वो इवनली मिक्स हो गया है, कहीं भी लंप्स नहीं है। अब इसमें 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमने बैटर बना लिया है इडली का। अब इसको लगभग 20 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। जब तक इडली का बैटर सेट हो रहा है हम इधर सब्जी बना के रेडी कर लेते हैं। तो कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच ऑयल लेंगे और उसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच राई, 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच उड़द दाल। और जब ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए तब इसके साथ में ही ऐड कर देंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 1 मीडियम साइज की प्याज बारीक कटी हुई, और इनको चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। प्याज को सॉफ्ट होने तक हम फ्राई करेंगे, ज्यादा ब्राउन होने तक फ्राई नहीं करना है। तो प्याज यहाँ पर सॉफ्ट हो गई है, अब इसमें हम 1 पिंच हींग डालेंगे। हींग से जो सागो हम बना रहे हैं उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसमें ऐड कर देंगे 2 चम्मच बेसन यानी कि चने का आटा। गैस का फ्लेम हम स्लो से मीडियम ही रखेंगे और इसे लगातार चलाते हुए फ्राई करेंगे ताकि चने का आटा जल नहीं जाए। और यहाँ पर जो आटा है वो अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और इनको मिक्स कर लेंगे।
तो सभी मसाले अच्छे से भून गए हैं। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 2 चम्मच कोकोनट पाउडर और उसको भी मिक्स कर लेंगे। कोकोनट पाउडर ऐड करने के बाद हमें ज़्यादा देर तक मसालों को फ्राई नहीं करना है। अब इसमें ऐड कर देंगे 1 कप पानी और सभी मसालों को पानी के साथ में मिक्स कर लेंगे। मसाले पानी में अच्छे से मिक्स हो जाएं, उसके बाद हम इसमें बॉईल किए हुए 2-3 आलू ऐड करेंगे इस तरीके से मैश करते हुए। फ्रेंड्स, अगर आप इडली बनाएंगे तो ये सागो जरूर बनाइए, क्योंकि इस सब्जी के साथ में इडली बहुत टेस्टी लगती है खाने में। तो सभी आलू को हमने मिक्स कर लेना है मसाले के साथ में। अब इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक। एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर और इन्हें सब्जी के साथ में मिक्स करेंगे और इसको लगभग 4 से 5 मिनट तक मीडियम आंच पर पकने देंगे। 4-5 मिनट हो गई है और आप देख सकते हैं कि जो सब्जी है वो बनके रेडी हो गई है। तो हम गैस ऑफ कर देंगे और ऊपर से इसको गार्निश कर देंगे हरा धनिया पत्ती से। सब्जी की जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत बढ़िया आई है, वो जो चने का पाउडर हमने ऐड किया था उसी की वजह से ये कंसिस्टेंसी आई है, वो आलू को बाइंड कर देती है ग्रेवी के साथ में। अब हम इडली बनाते हैं। इडली बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इडली कुकर लिया है और सबसे पहले इडली कुकर में हम 1 कप पानी डालेंगे और इसको गर्म होने के लिए रख देंगे। अब इडली की जो प्लेट्स हैं उनको हम ग्रीस कर लेंगे। प्लेट्स को ग्रीस करने के लिए मैंने यहाँ पर वेजिटेबल ऑयल लिया है, आप चाहें तो घी का भी यूज कर सकते हैं, उससे भी जो इडली का टेस्ट है वो बहुत अच्छा आएगा। प्लेट्स को इस तरीके से ब्रश से आप ग्रीस कर लें। अब इसमें हम सबसे पहले काजू रखेंगे। यहाँ पर काजू मैंने फ्राई किए हैं, आप ऐसे भी काजू रख सकते हैं बिना फ्राई किए हुए। अब हम इडली का बैटर चेक कर लेते हैं। बैटर जो है वो थोड़ा गाढ़ा हो गया है, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। बहुत टाइम लगता है कि पानी ऐड करने से बैटर अच्छा नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, आप इसमें 1/2 कप पानी ऐड कर सकते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लें ताकि जो पानी है वो बैटर में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इडली बनाने के लिए जो बैटर की कंसिस्टेंसी चाहिए थी वो आ गई है। अब इसमें हम 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे बैटर के साथ में। बेकिंग सोडा से इडली जो है हमारी बहुत फूली फूली बनेंगी। अब प्लेट्स में चम्मच से बैटर को डाल लेते हैं। पानी हमने पहले से गर्म करने के लिए रखा था। अब इसमें हम प्लेट्स सेट कर देंगे। और अच्छे से ऊपर से कवर कर देंगे और इसे 6-7 मिनट तक पकने देंगे। 6 मिनट हो गई हैं, हम चेक कर लेते हैं और वाव, देखिए कितनी फूली फूली इडली बनी है। और हमने इसको चेक किया है, बिल्कुल इडली पक चुकी है। अब गैस ऑफ कर देंगे और प्लेट्स को हम बाहर निकाल लेते हैं। जब ये ठंडा हो जाए तो स्पून से इस तरीके से हमें इडली निकाल लेनी है। ये ध्यान रखें कि जब हम प्लेट से इडली निकाल रहे हों तो उसको ठंडा होने के बाद ही निकालें, क्योंकि ठंडी होने के बाद इडली अच्छे से निकलती हैं। अगर गर्म प्लेट से इडली निकालेंगे तो इडली हमारी चिपक जाएंगी प्लेट से और वो अच्छे से नहीं निकल पाएंगी। तो आप देख रहे हैं कितनी फूली फूली और सॉफ्ट इडली बनी है।
तो फ्रेंड्स, आप भी मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए इडली बनाइए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट करके शेयर कीजिए। साथ में बेल आइकन को हिट करना नहीं भूलिए और अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव सभी को शेयर कीजिए मेरे चैनल का लिंक।